कि महाराष्ट्र के लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से जल जलाव आया है वो बहुत ही गहरा संकट है। लाखों लोग बेघर हुए, जान माल का नुकसान हुआ है, फैमिली की फैमिली उध्वस्त हो गई है, बहुत से लोगों की जो जान चली गई है उसके ना आगे रहा ना कोई पीछे रहा, फिर एक बार उनका जिंदगी को संवारना है तो महाराष्ट्र सरकार तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद महाराष्ट्र को करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मुंबई जैसे शहरों में जो बड़े बड़े धनिक लोग हैं जो हमेशा देश में कुछ भी संकट आता है तो आगे आकर मदद करते हैं, लेकिन अपने महाराष्ट्र पे संकट आया है तो ये सभी लोगों ने अब ज़्यादा ध्यान महाराष्ट्र के ऊपर देना चाहिए। माड़ हो, चिपळूण हो, सातारा हो, कोल्हापुर हो, सांगली हो, जहाँ जहाँ गांव से गांव उध्वस्त हुए हैं वो गांव को फिर एक बार हमको खड़ा करना पड़ेगा। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। कल मुख्यमंत्री साहब चिपळूण गए थे, उससे पहले माड़ गए थे, आज शायद सातारा सांगली में जा रहे हैं और कहा है कि कोई भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे मदद करने में, ना कानून आड़ आएगा ना नियम आड़ आएगा, हर व्यक्ति को मदद मिलेगी और फिर बार उनकी नई जिंदगी दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसने इस महाराष्ट्र को, जो महाराष्ट्र ने जिसको उसको दिया है, कुछ बनाया है, वो सबकी जिम्मेदारी दिलदारी दिखाने की। सर मराठीमध्ये केंद्राकडून सुद्धा मदतीची अपेक्षा आहे, हे पहा की केंद्राकडून आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्रावर किती गंभीर संकट कोसळलेलं आहे, गावाच्या गावं वाहून गेले आहेत, उद्ध्वस्त झाले आहेत, डोंगराखाली गेलेले आहेत, वाहून गेलेले आहेत, शेकडो जीव प्राणास मुकलेले आहेत, लाखो लोक बेघर झाले आहेत, त्यांचं घरदार संसार